देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है। अक्षय कांति बम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, नामांकन वापसी का जो आखिरी दिन था उस दिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद से कांग्रेस नोटा के लिए लगातार प्रमोट कर रही है। चलिए, ये मध्य प्रदेश की इंदौर जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है AICTSL और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है और इसी बस में हम भी जनता के साथ में सफर करने वाले हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके मन में क्या है और इस बार किन मुद्दों में वो अपना करने वाले हैं मतदान। तो चलिए करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ये बस का यात्रा शुरू। इस वक्त इंदौर की आम जनता हमारे साथ मौजूद है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर कर रही है, इनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं जी। अक्षय कांति बम जी चुनाव लड़ रहे थे जी, आखिरी दिन था नामांकन का जी, फॉर्म वापस लेने का जी, उस दिन उन्होंने नाम वापस ले लिया जी, नाम लेने के बाद जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गए जी। कांग्रेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है और अब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है जी। आजादी के बाद के इतिहास की हम बात करते हैं तो इंदौर में ऐसा पहली बार होगा जब वोटर्स मतदान करने जाएंगे, उन्हें कमल तो नजर आएगा लेकिन हाथ का पंजा नजर नहीं आने वाला है। इस पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि उन्हें पहले ही दमदार चेहरों को टिकट देना चाहिए। लगता है कि दाव गलत खेल लिया कांग्रेस ने। अच्छा जी, अब तो कांग्रेस कह रही है कि नोटा का बटन दबाओ, उनके साथ गलत हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है। बाकी अभी MP में 28 सीटें हैं, वहां पर देख ले कांग्रेस उनकी स्थिति। नोटा कोई वो जरूरी ऑप्शन थोड़ी रहता है, मतदान करना चाहिए, मतदान अपना अधिकार है। आप क्या कहेंगे? नहीं, नोटा दबना चाहिए। दबना चाहिए? हाँ बिल्कुल, नोटा दबना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, नोटा ही दबना चाहिए। नोटा मतलब इस बार नोटा में कहीं ना कहीं वोट गिरने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, धोखा करने वाले भी तो कांग्रेस ही है, धोखा हुआ है तो। नहीं, बिल्कुल नोटा दबना चाहिए, कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल, मतलब कांग्रेस जो प्रचार प्रसार कर रही है नोटा को लेकर, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ है। तो चलिए, ये बस का सफर हम शुरू करेंगे और बस में सफर करने के दौरान लोगों से करेंगे बातचीत, किन मुद्दों में वो करने वाले अपना मतदान। महंगाई वगैरह है कि ठीक है? महंगाई भी तो वो तो बढ़ेगी समय के साथ है। किसे पसंद करते हैं आप? मोदी जी। क्यों पसंद करते हैं? वजह क्या है? क्या है, विकास किया है ना मोदी जी ने, इसलिए पसंद करते हैं। कौन से नेता पसंद है आपको? मुझे अभी राहुल गांधी। क्यों? वो थोड़ा युवाओं को लेके भी और एजुकेशन सिस्टम को बदलने की थोड़ी बातें करते हैं, इसलिए ज्यादा पसंद है। अभी बदलने की ज्यादा जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? हाँ। तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर किसके हाथों में सुरक्षित है ज्यादा? फ्यूचर अभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ। वर्तमान स्थिति जो है, चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी सही है, सभी के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं, क्या लगता है कि कौन देश का विकास कर रहा है, किसके साथ देश के युवाओं को आगे जाना चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। और वजह क्या है? वो देख रहे हैं अपन 10-15 साल से पिछले क्या हो रहा है, MPPSC के रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सरकार है बोर्ड पैसों में खरीद ही रही है योजनाओं के चक्कर में, और देखा जाए अगर इसी योजनाओं के चक्कर में देश, मतलब राज्य पे भी कर्जा हो रहा है, देश पे भी कर्जा हो रहा है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस चुनावी मैदान में है, महागठबंधन भी है, क्या लगता है कौन विकास कर रहा है, किस पार्टी के साथ युवा आगे जाना चाहते हैं? बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी ने 14 साल में बहुत काम किया है, अपने इंडिया को नंबर वन पे लेके आई है अभी हर मामले में, अपने टूरिज्म के मामले में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, हर चीज़ के मामले में बीजेपी ने अपने इंडिया को नंबर वन पे लाया है। जो काम 70 साल में वो नहीं कर पाई थी कांग्रेस, वो काम बीजेपी ने कर दिखाया। 370 धारा भी हटाई है उसने, इसमें अपन कश्मीर में जाके अपना वो व्यापार भी कर सकते हैं। युवाओं को 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली है वो एक साथ 30 लाख पद भर देंगे, वो कह रहे एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, क्या उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बाग कांग्रेसी भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कई ऐसे कमिटमेंट हैं जो बीजेपी भी करे हैं बट वो फुलफिल नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस भी फुलफिल कर दे, ये नहीं बोल रहे कि पूरी तरीके से करे बट समाओ कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। प्रधानमंत्री मोदी,
राहुल गांधी, कौन पसंद है? हमको तो मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है, क्यों? मोदी जी इसके लिए पसंद है क्योंकि अभी अपन फिलहाल में देखते जाए कि उनके राज में अपने राम मंदिर बनाए, अभी जो अपनी कांग्रेस इतने सालों से चाह रही थी वो नहीं हुआ और हमारे मोदी जी ने यह कर दिखाया, तो इसके लिए हम मोदी जी को वोट करेंगे और आने वाले समय में जो भी अच्छा हो वो मोदी जी लेके आएंगे हमारे लिए, जो भी एजुकेशन में पॉलिसीज देना वगैरह सब कुछ हमारे मोदी जी ने अभी बहुत कुछ उनमें ग्रो करा है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे को एजुकेशन में बहुत इम्प्रूव मिले उनके आने से। वैसे तो मेरा लोकसभा में इस बार फर्स्ट टाइम वोट है, तो मैं बिल्कुल देना चाहूंगा और मोदी जी को ही दूंगा मैं। अच्छा, हाँ जी। लोग बताते नहीं अपने मन की बात, आपने तो बताई थी। हम खुल के बोलते हैं ना हम, क्योंकि बीजेपी हम इतने सालों से देख रहे हैं, जब तक बीजेपी रही है तो हमारे को अच्छा ही सब कुछ हुआ है, तो आगे भी अच्छा ही होगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, बोले हमारा जो घोषणा पत्र है वो इस देश के विकास का है। हाँ, वो विकास का है, विकास तो होते रहता है, पर जैसे राहुल गांधी को अपन देखते हैं कुछ समय तक आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, मोदी जी हमारे टिके रहेंगे, इसके लिए हम तो मोदी को ही वोट करेंगे। भरोसा नहीं है राहुल गांधी पर? नहीं, भरोसा तो हमको, हमने क्योंकि अभी तक देखा ही नहीं है ना कांग्रेस का, जब से हम आए जब से बीजेपी चल रहा है यहाँ पे, तो युवा पीढ़ी ने मोदी को देखा है। हाँ, युवा पीढ़ी ने मोदी को ही देखा है और अभी जितने भी युवा है अभी यूँ सोच रहे हैं कि हम मोदी को ही वोट करें, क्योंकि हमने कांग्रेस का राज तो देखा ही नहीं है ना, जी तो वो मोदी के राज में ही रहे, इसके लिए वो मोदी को ही वोट करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी गारंटी पे है भरोसा? गारंटी, कट्टर गारंटी रहेगी मोदी जी की। तो अक्षय गांधी हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, नाम ही वापस ले लिया, आखिरी दिन था नाम वापस ले लिया, अब कांग्रेस से कोई उम्मीदवार ही नहीं मैदान में। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कांग्रेस मैदान में नहीं है क्योंकि उनका कैंडिडेट वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी उसके बाद कह रही है कि आम जनता से हम अपील कर रहे हैं कि नोटा पे बटन दबाओ, लगता है ये सही है? नोटा पे बटन दबाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो मैं यहाँ इंदौर का नहीं हूँ, मैं मनावर में रहता हूँ, मैं खुद आज ही आया हूँ यहाँ पे इंदौर में, तो यहाँ का तो अभी पता नहीं है, पर हमारे वहाँ पे जो चल रहा है वहाँ तो नोटा की बात है। नोटा को लेकर क्या लगता है कि नोटा बटन दबाना सही रहता है या नहीं? आपसे पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, आपसे बात करते हैं इंदौर की, क्या क्या पसंद है इंदौर में खान पान को लेकर, क्या क्या अच्छा मिलता है इंदौर में? पोहे, जलेबी, छोले भटूरे, यहाँ तो सब अच्छा मिलता है, यहाँ तो सारी फूडीज है, सारे फूडीज है। इंदौरी सुबह से उठते हैं शाम तक खाने पीने के लिए, रात में 12 बजे तक चलता है, और सराफा तो रात भर ही चलता है। रात भर ही चलता है? हाँ। गए हैं आप सराफा? हाँ। सबसे पसंद क्या है सराफा का, अगर जो लोग इंदौर आए उन्हें क्या खाना चाहिए? दही बड़ा, जोशी जी का। जोशी जी का दही बड़ा? हाँ। इंदौरी पोहे और जलेबी? इंदौरी पोहे और जलेबी तो हर जगह अच्छे मिलते हैं। तो खाते पीते हैं या युवाओं के बीच जब चर्चा चलती है तो ये इस बात को भी लेके चलती है कि कौन से नेता जी पसंद है, है कुछ मोदी जी, राहुल जी, कौन पसंद है? मोदी जी। मोदी जी को वजह क्या है कि युवा मोदी जी को पसंद करते हैं? कितना सारा डेवलपमेंट किया है सबके लिए, राम मंदिर बना है अभी और बहुत सारी चीजें, इसलिए। राहुल जी तो कह रहे हैं कि युवा गुमराह हो रहे हैं, तो बोलते रहते कुछ भी उनकी बात को सीरियस कौन लेता है? नहीं लेते उसकी बात को युवा सीरियस, घोषणा पत्र की उनको उनके घोषणा पत्र को भी सीरियस लेते कि नहीं लेते? तो नहीं मानते हम, तो मोदी जी को ही देखते हैं, सिर्फ मोदी जी। अच्छा, एक चीज और आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि आप लोग यूथ हैं, देश का भविष्य आपके हाथ में है, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी नोटा को लेकर सपोर्ट करती है कि आप उस पार्टी को नहीं, इस पार्टी को सपोर्ट मत करो, नोटा पे इस बार अपना वोट डाल दो, क्या लगता है कि लोकतंत्र के लिए सही है, डेमोक्रेसी गलत है? नोटा जो है अभी तक तो हमने नाम भी नहीं सुना इस पार्टी का, नोटा जिसको किसी भी पार्टी को वोट नहीं करना, करना चाहिए जो आपको सही लग रहा है उसी को वोट करना चाहिए, मोदी जी को। नोटा में दबा दिया तो कोई मतलब नहीं निकलता? नहीं नहीं, फिर तो क्या मतलब वोट? इस बार तो कांग्रेस कह रही है कि नोटा में बटन दबाओ, सब गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, बेकार की बात है, क्यों क्यों दबाए नोटा में वोट, किस लिए दबाए, मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं तब से दबा दें? वो तो कह रहे हैं कि उनके साथ में गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या कर दिया बीजेपी ने। किसने की? बीजेपी ने कर दी। रिजाइन किसने किया उसके कैंडिडेट ने? तो फिर तो कैसे बीजेपी ने कर दिया? वो तो कह रहे हैं कि आम जनता के साथ गलत हो रहा है। तो वो तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, अभी इलेक्शन के टाइम में हर कोई आदमी हर अपनी बात बोल सकता है। जैसे पटवारी जी आए थे, कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ के जनता से अपील करता हूँ कि इस बार आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है, तो जीतू पटवारी जी खड़े क्यों नहीं हुए? वो क्यों चले गए? शोभा जो ओझा जो है वो क्यों चली गई थी अमेरिका? वो क्यों नहीं खड़ी हुई यहाँ पर? ये कोई बात हुई? खाली बनावटी बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं है।
कह रहे हैं कि कलंकित किया इंदौर को बीजेपी ने। कहने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलो बोलो ना, जो बोलना बोलते जाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों के बाहर दीपक जला रहे, कह रहे हैं दीप जला कर लोगों को जागृत करेंगे। ठीक है ठीक है, हमको तो कांग्रेस की कोई बात का भरोसा नहीं है, कोई उचित ही नहीं लगता है, कोई उचित ही नहीं लगता उसके बाद। महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे 1-1 लाख रुपए, 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। पैसा कहाँ से आएगा, राहुल को मालूम है क्या? राहुल बोल तो देता है लंबी लंबी बातें, करता क्या है वो, क्या किया उसने आज तक? तो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बंटवारा कर रही है बीजेपी, बस विकास नहीं करती। वो तो मजहब के नाम पे तो बंटवारा वो करेगी मुसलमानों को सपोर्ट करके, क्यों ऐसा क्यों? सबको सपोर्ट करो, एक जाति को सपोर्ट क्यों, सबको सपोर्ट करो। हम ये नहीं कहते कि उनका अपोज करो मुसलमानों का, हम ये नहीं कहते, सपोर्ट उनका भी करो, बाकी सिर्फ एक ही सपोर्ट क्यों? आम जनता को लगता है कि सिर्फ वो कुछ ही लोगों का सपोर्ट करते हैं, एक ही वर्ग? हाँ 100% लगता है, सबको लगता है, सबको लगता है। वो तो कहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा नहीं बसता है तो हिंदू मुस्लिम करने लग जाती है बीजेपी। करते तो वो लोग हैं, वो लोग करते हैं, वो हम बीजेपी ने कभी नहीं किया। बीजेपी ने सबको राशन कार्ड दिया है और सबको सब सुविधाएं दी है, जितने भी सब जाते सबको सुविधा बराबर दी है, सबको फ्लैट भी बराबर दिए हैं। बीजेपी ने सब काम नहीं किए, वही मोदी जी ने कभी काम ऐसा नहीं किया। कह रहे कि आरक्षण खत्म करने के लिए वो पूर्ण बहुमत चाह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, बोलो कुछ भी बोलो भाई, क्या बोलो, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार की बात है। लगता है कि यहाँ से जब कोई उम्मीदवार नहीं था तो शायद प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ लेना था जीतू पटवारी को, यहाँ से बिल्कुल लड़ना चाहिए था, बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्यों भगे वो, क्यों गए वो? गलती खुद की है उनकी 100%। और ठीक रहा, जनता में फूट रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। अच्छा एक सवाल बस आपसे ले लेते, इस बयान को आम जनता कैसे देखती है? उन्होंने एक बयान दिया, इमरती देवी पूर्व मंत्री रही हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं, उनके लिए उन्होंने एक कहा कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया, इस तरीके का वक्तव्य का इस्तेमाल किया। सबसे घटिया वक्तव्य यही है, सबसे घटिया वक्तव्य है, ऐसे बोला जाता है क्या? इज्जत की बातें करनी चाहिए, मतलब महिला की इज्जत नहीं कुछ भी, बहुत घटिया वक्तव्य दिया। इंदौर की जनता, वो इंदौर की है, इंदौर की जनता इस बयान से खुद को अपमानित समझती है? बिल्कुल समझेगी, इसमें क्या है तो अपमानित क्या हो, तो उन्होंने पूरी महिला जाति का अपमान किया है, हाल इंदौर की जनता क्या? आपको लगता है कि इस बयान का असर भी चुनाव में दिखेगा, जो अभी 2 चरण के चुनाव बचे हैं मध्य प्रदेश में? 100% दिखेगा सर उसका, 100% असर दिखेगा उसका। गुस्सा है लोगों में? बिल्कुल गुस्सा है, ये कोई बात होती जब ये बातें क्या बोलने लग होती है क्या? टेम्पो से मेट्रो तक का सफर पूरा कर रही है इंदौर, कितना विकास नजर आया? विकास तो ताई का योगदान है, ताई का इसमें बिल्कुल सबका योगदान है, पूरे बीजेपी का पूरा योगदान है। चुनाव की बात कर लेते हैं आपसे, हाँ माहौल है तो कर लीजिए कोई बात। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में तो इस बार कांग्रेस मैदान में नहीं है, आजादी के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है। होना ही चाहिए ना सर, हुआ है, अच्छा है कि सब लोग एक राह पर जा रहे हैं और कहीं राष्ट्र को अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका कोई मतलब सभी लोग एक समन्वय बनाकर अगर एक साइड जाएंगे तो अच्छे ही होगा राष्ट्र के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपील कर रहे हैं, नोटा की बात कही जा रही है। नोटा का तो कोई सेंस ही नहीं है सर, मेरे को तो पता ही नहीं है, मतलब चुनाव आयोग ने नोटा डाल के क्यों रखा हुआ है, जब इससे कुछ होता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता तो नोटा में डालना क्यों है सर? इससे तो अच्छा वोट ही डालने मत जाओ, कम से कम मतदान का प्रतिशत कम होगा तो चुनाव आयोग को पता तो चलेगा कि वहाँ लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वहां पर पता चल सकता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई हो जहां पर मतदान का प्रतिशत नहीं डाला हो, पर नोटा तो कोई सेंस की बात नहीं लगती है मुझे, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, बाकी पता नहीं। आपके दोस्त ने इतना कुछ कहा, कुछ आप भी? ये कहना चाहूंगा कि मतलब जब उम्मीदवार ने जब अपना फॉर्म वापस लिया ये गलत हुआ है, मतलब दोनों पार्टी का होना चाहिए था, वोट देने जाओ तो किसको दोगे, मतलब एक ही पार्टी को दिया तो वही है ना, वोट ही नहीं हुआ ना, अपने आप ही जीत गया वो, तो बाकी लोग जो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनको भी तो वोट देना चाहिए ना, कि उसके लिए भी खड़ा हो कोई इंसान, फॉर्म ही ले लिया तो गलत हुआ ना। कांग्रेस का कैंडिडेट तो होना चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट होना चाहिए। अच्छा ये भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो और दूसरे निर्दलीय मैदान में उनको शायद सपोर्ट कर सकती थी, या क्या लगता है? नहीं, अपनी विचारधारा से चल रही थी कांग्रेस पार्टी, वो किसी निर्दलीय को क्यों सपोर्ट करेगी, उसका जो विचारधारा अलग है निर्दलीय का कुछ अलग है, तो मेरे हिसाब से फॉर्म वापस नहीं लेना चाहिए था, ये गलत हुआ है। अक्षय कांति बम के को लेकर इंदौर की जनता में नाराजगी है कि लगता है उन्होंने कि एक पार्टी के साथ गलत किया? हाँ ये जरूर है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ है। हाँ। मन में है, हाँ, कि शायद उनको ये नहीं करना चाहिए था। बेशक इंदौर की जनता के मन में ये है कि अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से छोड़ा, शायद कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल इंदौर के युवाओं के मन में जरूर है। We'll be right back.